इस कार्यक्रम के प्रायोजक नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बड़थवाल। नीतीश के साथ निश्चय में बढ़ती गर्मी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण हर घर नल के जल को कहा जा सकता है, पर सरकार बनने के साथ इस योजना को लेकर गतिशील हुआ सरकारी महकमा जैसे गर्मी आते ही हांफने लगा है। पहले से जहां पानी का अभाव है, वहां इस योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने में सरकार नाकाम रही, और इससे इस योजना को लेकर बनी नीति और रणनीति दोनों बेहतर प्लानिंग का अभाव का दंश झेल रही है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में भी अब लेट लतीफी, लोगों तक शुद्ध जल का पानी पहुंचा पाना प्रति सरकारी महकमे की लापरवाही अब दर्शा रही है, और सूखाग्रस्त इलाका गर्मी होते ही पानी की किल्लत का सामना अब लोग कर रहे हैं। पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और प्रशासनिक प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में हर घर जल का नल जैसे बिहार सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद आज पानी की किल्लत वाले इलाके का हर घर प्यासा है। रोहतास जिले में गर्मी के शुरू होते ही पेयजल संकट गहरा गया। लोगों के हलक सूखने लगे हैं, जलस्तर नीचे चला गया, जिस वजह से लोग गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पानी के लिए हाहाकार की तस्वीरें कोई नई नहीं है। रोहतास जिला में हर साल कमोबेश यही हालत रहते हैं। सासाराम में खासकर दक्षिणी इलाके चुटिया नौहट्टा में तो लोग गड्ढे का पानी पीते हैं, बल्कि कपड़ा भी उसी से साफ करते हैं। जो तस्वीरें हैं वो हिला देने वाली है। वहीं एक ही गड्ढे का पानी मवेशी और मनुष्य दोनों के लिए। गड्ढे का पानी पीते हुए ये तस्वीरें सासाराम की है। पानी की कमी से शादी विवाह में भी परेशानी होती है। प्रॉब्लम का है, पानी का समस्या है। गौरव भाई का जो हम गौरव जो पानी पी रहा है वही हम पानी पीते हैं जी सर। कपड़ा सब उसी में हम धोते हैं उसी पानी से। जिला प्रशासन ने वैसे तो कई गांव में पानी की समस्या पर काम शुरू किया है। अब जब कोई विकल्प नहीं तो प्रभावित इलाके में टैंकर से पानी भेजते हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा। 2-4 लीटर पानी को लेकर मारपीट हो रही है। आए दिन पानी के लिए मारपीट आम बात है। कई गाँव ऐसे है जहाँ 200 घरों की आबादी पर मात्र एक ही चापाकल है। हम लोग पीएचडी में धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के बच्चे को पढ़ने के लिए नहाने में बहुत सी समस्या हो रही है। यहाँ पे नहाने के वजह इसी तरह बच्चे पढ़ने चले जाते हैं बिना नहाए धोए ही। समस्या यही है कि जो ब्याह शादी है दिन रखा हुआ है और पानी के लेकर के दिन आगे बढ़ा दिया गया है। बहुत दिक्कत हो रहा है, और जो नाश्ता पानी का व्यवस्था किया जाता है उसमें कमी हो गया है। इतना ही नहीं, कई सरकारी आवासीय विद्यालय से तो बच्चे पानी की समस्या की वजह से घर लौट आए हैं। रोहतास के डीएम अनिमेश कुमार पराशर का कहना है कि प्रभावित इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है और खराब चापाकलों की मरम्मत भी की जा रही है। तो हम लोग का दो तरह का रिस्पॉन्स है। एक है कि तात्कालिक हम लोग टैंकरों के माध्यम से या फिर चापाकल जो खराब चापाकल है उसको हम लोग मॉनिटर करके उनका रिपेयरिंग पर ध्यान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर रोहतास जिले में पेयजल संकट गंभीर है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए उसमें कमी झलकती है। पेयजल से संबंधित सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी नाकाम प्रशासनिक महकमा दिखता है। न्यूज इंडिया के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देखी
हालात बयां हो रहे हैं। इस वक्त रोहतास से हमारे संवाददाता रंजन सिंह फोन लाइन पर मसा जुड़े हैं। रंजन, जरा स्थितियों से अवगत कराएं कि इस वक्त प्रशासनिक अमला इन हालातों से निपटने के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है। साधु के जिस तरह से गर्मी भीषण गर्मी पड़ रहा है, उसके बाद जितने भी कैमूर पहाड़ी स्थित है, चुटिया, नवाटा, चेनारी, जितने भी क्षेत्र है जो पहाड़ी इलाके माना जाता है, वहाँ पर काफी लोग जो है पानी को लेकर तरस रहे हैं। किस तरह के नाला का पानी पीते हैं, गड्ढे कैसे पानी पीते हैं, जहाँ जानवर पानी पीते हैं तो वहीं लोग पानी पीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जल स्तर गिरने के कारण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और जिला प्रशासन लगातार दावे कर रही है कि हर एक पानी की व्यवस्था की जा रही है। सोलर प्लेट लगाने की बात हो रही है, जिला अधिकारी ने बताया कि सोलर प्लेट लगाकर जहाँ भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर मोटर से नहीं जा सकते, जो ऊंचाई क्षेत्र होने के कारण, तो वहाँ से सोलर प्लेट के कारण नल जो पानी की व्यवस्था है वो की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन की सारी जो वादे है वो फेल नजर आ रही है सूर्या जी। तो रोहतास के जो हालात है उनसे सरकार भी रूबरू हो रही है, आम जनता तो परेशान है ही, शिकायतें क्या कुछ कर रहे हैं, और जो ताजा हालात हैं उन स्थितियों को देखते हुए कितने घर ऐसे प्रभावित हुए हैं जहां बिल्कुल भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जी सूर्य, बता दूं कि ये जो चुटिया, नोहाटा और ये चेनारी जो ये प्रखंड है, किलो लगभग प्रखंड में लगभग दर्जनों ऐसे गाँव होंगे जो ये पानी के लिए तरस रहे, गड्ढे को पानी पीने को मजबूर है, उनके पास टंकी, उनके पास कल सूख गया है, कल से पानी नहीं निकल रहा, लाइन लगाकर कतार में महिला सब पानी लेने को भी बस है। लेकिन जिला प्रशासन लगातार वादा करती है कि हर एक सुविधा पानी के लिए दी जाएगी, वहाँ पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन जिला प्रशासन की सिर्फ ये खाना पूर्ति नजर आती है। वादा तो होती है लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरती है। तो रंजन, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई है? जी सूर्य, बता दूं कि कल ही हमारी बात जिला अधिकारी से इसी संबंध में हुआ था कि जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं या जो वहाँ पर पानी सूखने की वजह से वहाँ के ग्रामीण परेशान हैं, जो जिसका जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उस क्षेत्रों के लिए जिला प्रशासन क्या कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि वहाँ क्षेत्रों के लिए एक टीम गठित कर दिया गया है, जो कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी किल्लत नजर आ रही है वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, टैंकर भेजा जाएगा, और जितने भी लेयर भाग रहा है उसके लिए जो जहाँ पर भी कहीं कहीं ऐसे जगह भी है जहाँ पर टंकी तो बना देगी है लेकिन 100 पीस में सिर्फ खड़ी नजर आती है। ऐसे में कई प्रखंडों के दर्जनों गांव अब प्रभावित है इन इलाकों से। इन स्थितियों के बीच में अभी फिलहाल जब गर्मी की शुरुआत हो रही है तो हालात बिगड़ रहे हैं। 7 निश्चयों में से हर घर नल का जल एक बड़ा, एक महत्वाकांक्षी, एक निश्चय है। इन स्थितियों को धरातल पर बदलते हुए क्या कुछ हकीकत बयां हुई है? जी सूर्य, बता दूं कि जो मुख्यमंत्री जो सूबे के मुख्यमंत्री है उनका हर घर नल जो पानी की व्यवस्था, जो हर घर नल जाने की व्यवस्था की बात करते हैं तो वो फेलियर नजर आ रही है। और जिस गांव में वो नीतीश कुमार उनका 7 निश्चय यात्रा था, हर घर नल की पानी की व्यवस्था की जाए, टंकी तो लाग गई, निश्चय यात्रा का उन्होंने उद्घाटन तो कर दिया हर घर की नल, लेकिन आज भी नीतीश कुमार के जाने के बाद सिर्फ 2 दिन तक नल का पानी पहुंचा, आज सिर्फ वो जो नल की पानी की व्यवस्था कही जाए वो सिर्फ खाना पूर्ति नजर आती है अधिकारियों के देखने को मिल रहा है। इस चर्चा में 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त पंचायत मुखिया राजवंश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललन पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललन पासवान जी RLSSP के विधायक हैं, आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजवंश सिंह साहब, पहले सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़वाते हैं। स्थितियां क्यों ऐसी हैं और फिलहाल कितने प्रखंडों के दर्जनों गाँव प्रभावित हैं, क्या कुछ मौजूदा हालात हुए हैं, किन समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ रहा है पानी के लिए? जी राजवंश जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ सर। राजवंश जी, पानी की किल्लत की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। हेलो जी। जी, मेरा चिनारी प्रखंड में उगानी पंचायत गांव है जी, जो 4 गांव जो अपने पहाड़ पर पड़ता है जी, जो औरैया, भुड़कुरा, उर्दागा, गुप्ता धाम है जी, वहाँ पे कम से कम जानवर भी पानी पीने के नहीं है, तमाम लोग नीचे आकर भाग कर आ रहे हैं। प्रशासन से, जिला प्राधिकारी से मिले थे जी,
तमाम यही बोले कि आपको स्वर्ग या प्लेट से आपको कुछ भी नहीं देना है, आपका नियम ही नहीं है ना आपका कानून है। तो राजवंश जी, किसी वैकल्पिक व्यवस्था की आपने बात की कि पानी पीने का मुहैया करवाया जाए, शासन से आपने अगर गुहार लगाई हो तो उनका क्या कहना है? वहाँ गुहार से मैंने डीएम से मिला जी, डीएम कहे कि नहीं उसमें खर्च करोगे तो तुम पर केस कर देंगे। किस तरीके का खर्चा मांग रहे हैं? अब कह रहे हैं कि नहीं नल में खर्च नहीं करना है, सौर ऊर्जा से आप नहीं लगाना है, सौर ऊर्जा से आपको पानी को व्यवस्था नहीं देना है। वहाँ बिजली है न, कुआं भी सूख गया है, नली है, आपको नदी है, नदी में पानी लोग जाते हैं पीने के लिए जी, और वो लाते हैं तो तसले पे तसले घर पर लाकर अपने घर पर पीते हैं जी। जानवर तो कम से कम सीधे पहाड़ से तमाम नीचे उतर गए जी, कुछ ऐसे हालात हैं। ललन पासवान जी, आपने सुना क्या कुछ हो रहा है? सात निश्चयों में से एक निश्चय है कि हर घर नल का जल, लेकिन गर्मी आते ही अब तालाब सूख गए हैं, चापाकलों से पानी निकलना बंद हो गया है, और जब पानी की किल्लत से परेशान लोग प्रशासन के पास पहुंचते हैं, शासन तक बात पहुंचाते हैं, तो जवाब बड़ा गैर जिम्मेदाराना उनको मिलता है। ऐसी स्थितियां क्यों हैं? देखिए, डेमोक्रेसी का 70 साल हो गया जी, और आजादी के 70 सालों में स्वर्गीय जगजीवन बाबू इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, स्पीकर मीरा कुमार जी की है, अभी वर्तमान में कई एक और एमपी है और कई एमएलए को पैदा किया और कई राजे बनी, 40 साल कांग्रेस, 15 साल लालू यादव और 15वें साल में नीतीश कुमार जी। लेकिन आज तक पहाड़ पर जो बसे गांव हैं जी, जिसकी चर्चा मुखिया ने किया और रैया भुरकुड़ा, मात्र वही चार गांव नहीं जी, चेनारी, शिवसागर, नवहट्टा, रोहतास जी के कम से कम और पहाड़ पर कम से कम 80 गांव अभी जी, हमारे कंस्टिट्यूएंसी का जी, और आप उधर चर्चा करें तो बगल में कैमूर के 109 गांव अधौला ब्लॉक का, और नीचे चेनारी के नीचे भी अगर पता कर, आप करेंगे तो नवहट्टा के तिवरा परछा से लेकर तिलोखर से लेकर आपको सतिवार से लेकर बौलिया से लेकर जितना गांव है, भदारा से लेकर आप इधर पिपरडी से लेकर जितने गांव है, एक दो गांव नहीं कहे आप, वो तो आप एक दर्जन, रंजन जी ने कोशिश की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। मैं तो सदन में तसला लेकर गया था सरकार के मुख्यमंत्री के यहाँ पानी मांगने जी, और मैं जब से जीत के आया हूँ पहले भी मैं इस सवालों पर लगातार बोलते रहा जी, चाहे उगहनी का सवाल हो, चाहे लुटरू का सवाल हो, सिंगनपुरा का सवाल हो, नीचे भी मेरे पहाड़ के नीचे चैनपुर चांद से लेकर कम से कम 11 प्रखंड है जी, जहाँ पीने की पानी की संकट है। आजादी के 70 साल गुजर गए, हजारों पशु पीने के पानी के अभाव में मर जाते हैं, इंसान और जानवर एक ही घाट पर नदियों की सड़ी गली चुहाड़ी की पानी पीते हैं, और उसमें अब एक ही घाट पर कुत्ता, एक ही घाट पर इंसान, एक ही घाट पर पशु, एक ही घाट पर आदमी पानी पीता है। मैं अपनी नंगी आंखों से जाकर पहाड़ पर 8 दिन रहकर, 10 दिन रहकर देखा, और सदन का प्रोसीडिंग गवाह है, नीतीश कुमार को चिखते चिखते मैं थक गया हूँ। मैंने कहा कि आपकी योजना धोखा है, आप नल से जल देंगे, आपकी वित्तीय प्रबंधन कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपया, 1,00,000 करोड़ रुपया लगेगा बिहार को 67 गांवों का, कम से कम 45,000 गांवों को पानी देने में, और आपका 13,000 करोड़ का बजट, और ऐसी स्थिति में आप नल से जल किस आधार पर देंगे? और ये इन्होंने धोखा दिया पूरे बिहार के लोगों का, कहीं से सरकार इस पर आज के तारीख में किसी को नल से जल देने की स्थिति में नहीं है, चापा कल भी बंद कर दिया। बिल्कुल, कांग्रेस नेता मंगलराम साहब भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। मंगलराम जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मंगलराम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहतास रंजन सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन, जरा आप स्थिति से अवगत करवाएं। विपक्ष कहता है कि सरकार पानी की किल्लत को लेकर सुनवाई करती नहीं है, सुनती नहीं है, यही कुछ बातें राजवंश सिंह जी भी कह रहे हैं। स्थितियां क्यों इतनी उलट हैं? आपने अगर विधायकों से, बीजेपी के नेताओं से अगर बातचीत करने की कोशिश की हो, आला अधिकारियों से अगर बातचीत करने की कोशिश की हो, तो पानी की किल्लत को लेकर उनका क्या कुछ कहना था? जी सूर्य, बता दूं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। मुख्यमंत्री
का साथ निश्चय यात्रा था रोहतास जिले में, जो कि उदयपुर प्रखंड को मान उन्होंने खुले में शौच से मुक्ति किया था जी। जिस दिन उनकी साथ निश्चय यात्रा थी उस दिन तक तो नल का पानी हर 20 को जी। उसके बाद सिर्फ जो नल की टंकी है सुहा की तरह वस्तु बनकर उदयपुर में रह गई जी। जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर घर नल जी, वहाँ के ग्रामीण काफी त्रस्त हैं सूर्या, उनके उनके घर में नल नहीं जाता, नल सिर्फ सुबह बनकर रह गई है उनके घरों में जी। वो त्रस्त हैं, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी दर्द छलक उठा। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे गांव में सात निश्चय यात्रा किया, हर घर हर नल बिजली हर जो सात निश्चय की उन्होंने वादा किया था एक भी उसे पूरा करते नहीं नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ खानापूर्ति जिस तरह से रोहतास में सात निश्चय यात्रा था जी, वो खानापूर्ति नजर आता है सूर्या। बिल्कुल, इन स्थितियों के बीच में राजवंश जी जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर इशारा करें कि सरकार सुनती नहीं। बीजेपी नेता इस वक्त धनंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धनंजय जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है आपका। जी धनंजय जी, सात निश्चयों में से एक निश्चय है कि हर घर नल का जल, लेकिन रोहतास में भी हर घर नल का जल योजना पहुंची, उदयपुर तक इलाके में पहुंची। हमारे संवाददाता रंजन सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल आज एक मुद्दे को उठा रहे हैं हम और सवाल इस बात को लेकर है कि अभी भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर क्यों हैं? दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की समस्या पैदा हो गई, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहां ना तो सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है और अगर शासन प्रशासन तक बात पहुंचाई भी जाती है तो वहां से उल्टा जवाब मिलता है। आखिर क्या हो रहा है? जहाँ तक बात है सात निश्चय का, तो आपको पता है कि बिहार में सात निश्चय के तमाम जो भी सात निश्चय किए गए हैं सभी योजनाओं पर कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ सवाल है हर घर नल का जल का जी, जिसमें मुख्य रूप से अभी रोहतास में संझौली प्रखंड में ठीक रंजन जी बोल रहे थे अभी जी कि मंत्री महोदय स्वयं आकर के अपने से उन्होंने उद्घाटन किया जी। एक खानापूर्ति जैसा दो चार दिन के बाद बहुत मोटा रकम भी खर्च हुआ दिखावटी सब कुछ, लेकिन आज वहाँ देखने से लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जी। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे रोहतास जिला में जैसे चेनारी प्रखंड के कुछ ऐसे गांव हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ लोगों का स्थिति ऐसा है कि वहाँ लोग गंदे पानी जी गड्ढा वगैरह में जो एकत्रित पानी रहता है वो पानी पीने के लिए मजबूर है। सरकार के कोई भी आला अधिकारी या कर्मचारी या पदाधिकारी इस विषय के लिए थोड़ा सा भी संवेदनशील नहीं है, कोई वहां जा रहा है न समझ रहा है। पहली बात वो तो एक पहाड़ी क्षेत्र की बात है। अब आपको रोहतास जिला का कुछ मैं क्षेत्र बता रहा हूँ जहाँ सोन नद के किनारे तराई में जो इलाका है वहां भी यही हालात है। तो ये जो सात निश्चय का जो मुख्यमंत्री महोदय का जो ये हर घर नल का जल है, मैं जानना चाहूंगा सरकार के प्रतिनिधि लोग से कि आखिर ये सात निश्चय का ये कहाँ है? सात निश्चय, सात निश्चय में प्रथम श्रेणी में रखा जी, गया है दिखाई नहीं दे रहा है। धनंजय जी ऐसे में जब सत्ता पक्ष नहीं सुन रही है तो जनता उम्मीद करती है कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो जनता के हकों की बात को पुरजोर तरीके से बुलंद आवाज में सत्ता के सुरमाओं तक पहुंचाए, उनके कानों तक पहुंचाए ताकि तुरंत कार्रवाई, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। बीजेपी किस तरीके से लोगों की मदद करेगी? अब बीजेपी के लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, कई बार क्षेत्र के तमाम समस्याओं से अवगत कराते हैं जी, अवगत कराया गया है, इसको उठाया गया है वहाँ जी, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब आप जनता के साथ जुड़े हुए हैं। मंगल राम जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी सर, हाँ, जी मंगल राम जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप तक एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने पूरी चर्चा को सुना, जाहिर तौर पर एक सवाल विपक्ष से भी है कि सत्ता पक्ष तो आवाज सुन नहीं रहा, शासन के लोग आम जनता की परेशानी को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। इन स्थितियों के बीच में विपक्ष से एक बड़ी उम्मीदें आम जनता की जुड़ जाती है कि जब कोई नहीं सुन रहा तो उनका विपक्ष हो जाता है। कांग्रेस किस तरीके से इस समस्या को पुरजोर तरीके से उठाएगी? हेलो जी मंगल राम जी, पानी की किल्लत, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशानी है, कांग्रेस किस तरीके से आम जनता के साथ खड़ी है?
देखिए सर, ये तो जो जल संकट का पेयजल का जो समस्या है, ये बिल्कुल जो बात है कि सत्य है, और हम लोग ऐसे क्षेत्र में से आते हैं जो रोहतास जिला पहाड़ कैमूर के तलहटी से आते हैं, और मेरा विधानसभा भी जो है कि बिल्कुल एकदम 70% जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाके से जुड़ा हुआ है और पानी की समस्या है, और सरकार ने को व्यवस्था बनाई है, लेकिन जिस तरह से जनता की जनसंख्या है और क्षेत्र है उसके हिसाब से, उसके अनुपात से यह काम जो है कि धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है कि जो क्षेत्र में होना चाहिए। जी बिल्कुल मंगलराम जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को हमने सुना। कार्यक्रम क्योंकि आखिरी पड़ाव में वक्त थोड़ा कम है, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। धनंजय जी आपने भी चर्चा में शामिल होने के लिए वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरआरएसपी के विधायक ललन पासवान आप जुड़े। ललन जी, उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आप यूं ही तमाम बातों को पहुंचाते रहेंगे और सरकार तुरंत कार्रवाई करे, इस बात की उम्मीद इस कार्यक्रम के जरिए हम करना चाहते हैं। राजवंश जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रोहतास से हमारे संवाददाता रंजन भी हमारे साथ जुड़े। रंजन आपका भी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर पानी की किल्लत की वजह से अब जनता परेशान है, रोहतास में हालात बिगड़ रहे हैं और हर घर अब प्यासा है। बड़ी खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।